नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। अब तीन तलाक देना आप सभी के लिए भारी पड़ सकता है। ये उन मुस्लिम लोगों के लिए जो सोचते हैं कि तीन तलाक दे दिया जाए और छुटकारा पा लिया जाए। लेकिन आज एक मामला ऐसा बताने जा रहे हैं जिसमें दिल्ली में ही एक व्यक्ति ने तीन तलाक दिया और उसे पुलिस ने जेल में भेज दिया। दिल्ली में तीन तलाक का मामला सामने आया। आजाद मार्केट से पुलिस ने एक व्यक्ति को तीन तलाक देने के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला एक्ट 2019 के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, मैंने जैसे कि कहा, ये भारी पड़ने वाला है और वो दिख भी रहा है। 19 वर्षीय रायमा याहिया ने बाड़ा हिंदू राव में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में रायमा ने आरोप लगाया कि उसकी शादी अतिर शमीम से 24 नवंबर 2011 को हुई थी। 23 जून को आतिर शमीम ने अपनी पत्नी रायमा याहिया को तीन तलाक दिया था। इसके बाद उसने इसका फतवा भी व्हाट्सएप पर उसे भेज दिया और उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले से पिछले 24 घंटे के भीतर तीन तलाक के तीन नए मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन दिल्ली में पुलिस ने ये दिखा दिया कि अब 2019 का ही एक्ट लगेगा और कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एक 26 वर्षीय दिव्यांग व्यक्ति मोहम्मद राशिद ने अपनी 17 साल की पत्नी चांद बीवी को तीन तलाक दिया था। ये उत्तर प्रदेश की बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो अनपढ़ थी। तलाक देने की वजह देखिए कि वो अनपढ़ थी, तो इसलिए उसे तलाक दे दिया गया और उसे खाना पकाना भी नहीं आता था और वो दिव्यांग थी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। गुरुवार को चांद अपने पति मोहम्मद राशिद सुबह का नाश्ता नहीं दे सकी, जिसकी वजह से राशिद नाराज हो गया और उसने कथित तौर पर अपनी बीवी की पिटाई की और उसे तीन तलाक दे दिया। सोचने का विषय है कि आज के समय में भी लोग ऐसे हैं जो कि तीन तलाक दे देते हैं। इस मामले की सूचना तुरंत पुलिस को भी दी गई, लेकिन राशिद अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने दोबारा से कहा तीन तलाक, तीन तलाक, तीन तलाक। हालांकि तलाक 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 कहा जाता है, लेकिन मैं तीन तलाक को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। दूसरी घटना शेखपुरा से सामने आई, जहाँ पर अफसीर बानो जो कि 26 साल की थी और मुश्ताक खान, इन दोनों के बीच ये मामला बताया गया। इन दोनों का निकाह 5 साल पहले हुआ था और इनका 2 साल का एक बेटा भी था, लेकिन दहेज की मांग पूरी नहीं हुई, जिसके चलते अक्सीर को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसने अपने पति के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज किया और फिलहाल ये मुद्दा अदालत में है। लेकिन तीसरा मामला जो था वो सिरौली से सामने आया। देखिए, इससे एक तीसरा मामला जो उत्तर प्रदेश का, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली का चौथा मामला था जहाँ पर कार्रवाई हुई है। ये उत्तर प्रदेश का जो सिरौली से मामला सामने आया, यहाँ पर 11 साल पहले गुलिस्ता की, जो कि अब उम्र उसकी 35 साल हो चुकी है, उसका निकाह मोहम्मद लायक के साथ हुआ था। इनके 3 बच्चे हैं। गुलिस्ता को जुलाई में घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया इनके पति द्वारा। इसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया, लायक को 7 अगस्त के दिन काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने के लिए भी पुलिस ने बुलाया, लेकिन वहाँ इसके पति ने काउंसलर को बताया कि उसने अपनी पत्नी को तलाक उस वक्त दे दिया था जब इस पर ये कानून नहीं लागू हुआ था, तो वो इस कानून को नहीं मानेगा। ये उत्तर प्रदेश की 3 घटनाएं थी जिसमें 2 के ऊपर कार्रवाई जारी है और तीसरे में पति का कहना है कि मैंने उस वक्त तलाक दे दिया था जिस वक्त ये कानून लागू नहीं हुआ था। और दिल्ली का मामला जो कि मैंने आपको बताया, जहां पर कार्रवाई हो चुकी है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 2019 मुस्लिम एक्ट लग चुका है, तो अब आप खुद सोचिए ये मुस्लिम युवकों के लिए कि अब आपको सोचना होगा कि तीन तलाक देना है तो फिर आपको जेल जाना होगा। और दिल्ली पुलिस की कई जगह पर सराहना भी हो रही है क्योंकि 2019 का मुस्लिम एक्ट उन्होंने समय से लागू करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी शुरू की। और तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 3 मामले सामने आने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। ऐसी ही बहुत सारी खबरें इसी अंदाज में आपको दिखाते रहेंगे। अब लगातार बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। नमस्कार।